हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि अभी जो है मार्केट में सभी तरफ डर का माहौल है। आप कहीं भी जाएंगे, लोग बस ये बात कर रहे हैं जो मार्केट कितना गिर सकता है, मार्केट कितना क्रैश होगा। तो इन डिटेल में हम लोग देखेंगे जो चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मार्केट क्रैश होगा, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या सच में मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर यहाँ पे करेक्शन दिखेगा। अगर होगा तो फिर कौन से लेवल्स पे जो है हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए, सभी बातों पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, विथ लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला बात जो आखिर मार्केट में आपको ये बात क्यों हो रही है जो मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो अगर यहाँ पर देखेंगे फ्राइडे नाइट में अमेरिकन मार्केट डॉ जोन्स जो कि आपको वहाँ का इंडेक्स है 1.6% जो है आपको नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे 486 पॉइंट का जो है हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। एक समय में उसका गिरावट जो है इससे भी ज्यादा था, बट यहाँ पे लास्ट में अगर देखेंगे तो तकरीबन जो है यहाँ पे डाउ ने ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 350 पॉइंट के अराउंड जो है रिकवरी किया नीचे के लेवल से, तब जाके जो है आपको यहाँ पे इंडेक्स 1.6% नीचे क्लोज हुआ है। तो अब अगर आगे बात करते हैं जो डॉ में इतना बड़ा गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डॉ जो है क्लियरली अपने कोविड के समय में जहां से मार्केट फॉल हुआ था, प्री कोविड लेवल, जहां से मार्केट क्रैश करना कोविड के समय में स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसी लेवल पे यहाँ पे जो है हम लोगों को डॉ अभी खड़ा दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली जो है आपको अगर मैं लेवल्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करूं तो क्लियरली उसी लेवल पे है। यहाँ पे अगर देखेंगे 29,590 पे क्लोज हुआ था और उसी लेवल पे जो है यहाँ पे डॉ वापस से क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे डॉ जो है कंटिन्यूअसली आपको ऊपर के लेवल से यहाँ पे हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डॉ में जो है क्लियरली लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डॉ ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और वीकली बेसिस पे जो है यहाँ पे डॉ में प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग हो चुका है। लेकिन अगर इस लेवल को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा इस लेवल से फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद जो है आपको ब्रेकआउट आया था। तो जब तक यहाँ पे 29,500 के नीचे डॉ आपको नहीं सस्टेन करता है, तब तक जो है या तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा पुल बैक हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली जो है आपको प्रीवियस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस 5 वीक में कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है मार्केट फॉल हुआ है। तो एक सपोर्ट लेवल को अगर यहाँ पे हिट करता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या फिर एक रिलीफ रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है एक आपको काफी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी के कंपैरिजन में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए डॉ जो है आपको 3 जनवरी 2022 से इस पूरे ईयर में 2022 में डॉ जो है वो आपको अपने अपर लेवल से 20% नीचे करेक्ट हो चुका है, 20% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसी टाइम में हम लोग अपने निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अगर सबसे पहले बात करेंगे तो निफ्टी जो है अपने प्री कोविड लेवल से ऑलमोस्ट 40-43% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्री कोविड लेवल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपको इस लेवल से बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद रिकवरी किया वी शेप, और उसके बाद
कंटिन्यूसली मार्केट अब ऊपर ही जाता रहा। अगर हम लोग 2022 से बात करेंगे तो 2022 में यहाँ से स्टार्ट हुआ था निफ्टी और ऑलमोस्ट उसी लेवल पे निफ्टी यहाँ पे खड़ा है। निफ्टी में अगर देखेंगे तो 2022 में हम लोगों को अभी तक, अगर हम लोग यहाँ पे फ्राइडे के सेशन तक बात करेंगे तो कोई भी रिटर्न नहीं बना है, यहाँ पे जो है उसी लेवल पे है। निफ्टी बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, नीचे आपको नहीं गिर रहा है जिस कंपैरिजन में आपको अमेरिकन मार्केट यहाँ पे टूटता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जो अमेरिकन मार्केट में गिरावट हो रही है उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन क्या एजीटी जितना गिरावट वहां हो रहा है उतना इम्पैक्ट यहाँ पे भी होने वाला है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट जो है ऑलरेडी आपको 20% करेक्ट हो चुका है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी जहां पे जनवरी में स्टार्ट हुआ था, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जनवरी का जो ओपनिंग था वो था आपको यहाँ पे 17,387 का। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17,387 का यहाँ पे जनवरी का ओपनिंग था, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्राइडे का क्लोजिंग है 17,327, तो यहाँ पे जो है 60 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, जनवरी के लेवल पे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो क्या निफ्टी में कहां तक गिरावट हो सकता है। तो देखिए निफ्टी में जो है एक आपको किसी भी गिरावट से पहले, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, कभी भी अप ट्रेंड के बाद अगर डाउन ट्रेंड को स्टार्ट होना होता है तो वहां पे आपको एक एम पैटर्न बनता है या फिर आपको डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। निफ्टी में इसका फॉर्मेशन हो चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा रैली हुआ, रैली होने के बाद यहाँ पे जो है आपको डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद जो है करेंटली अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी अभी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है। नेकलाइन कब ब्रेक होगा? जब निफ्टी आपको 17,165 के लेवल के नीचे निकल के सस्टेन करेगा तभी आपको यहां पे नेकलाइन जो है ब्रेक होगा। तो इसी वजह से डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है बट यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे 17,165 का लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो आपका टारगेट होगा, आपका टारगेट समवेयर अराउंड आपको इस जोन में सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को 16,600, 16,800 इस जोन में जो है निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे आपको रेसिस्टेंस लिया है, वापस से यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद काफी अच्छा रिटेस्ट किया और उसके बाद एक अच्छा फॉल हुआ है, वंस अगेन जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हुआ है। इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद अभी आपको रिटेस्ट नहीं हुआ इस लेवल का, तो यहां तक पहले फॉल होगा, उसके बाद अगर एक बार 16,600 के नीचे निकलता है तो फिर और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग इस चीज से नहीं डिनाई कर सकते हैं, जो निफ्टी अपने एक बहुत अच्छे रेसिस्टेंस लेवल से है, 18,000 के ऊपर वापस से इस बार क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो क्लियरली जो है 18,000 और 18,500 ये एक मेजर रेसिस्टेंस अभी भी निफ्टी के लिए है, और रेसिस्टेंस के अराउंड में आपको, रेसिस्टेंस के लेवल पे आपको यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है, नेकलाइन ब्रेक होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15,200 के अराउंड से आपको रैली स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 15,200 से रैली स्टार्ट हुआ, 18,000 तक नॉन स्टॉप रैली गया, तो यहाँ पे जो है तकरीबन यहाँ पे आपको 2,800 पॉइंट का रैली हुआ, तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये करेक्शन तो होगा और करेक्शन का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है निफ्टी क्रैश नहीं होने वाला है लेकिन करेक्शन जरूर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अगर फर्दर हम लोग यहाँ पे लेवल की बात करेंगे तो डेली चार्ट में जो है, डेली चार्ट में क्लियरली जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था 17,165 ये आपको काफी क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पे 16,500 जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर मंडे के सेशन में
मंडे के सेशन में अगर यहाँ पे आपको ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो फिर यहाँ पे हम लोगों को एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट काफी ऊपर से फॉल हो रहा है। कंटिन्यूअसली कभी भी मार्केट फॉल नहीं होता है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो आपको बीयरिश साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी देखेंगे, साथ ही साथ एक सपोर्ट लेवल को हिट करेगा तो कुछ फ्रेश बायर्स भी वहां पे आपको आएंगे। और अगर यहां पे गैप डाउन होने के बाद बहुत से लोगों को प्रॉफिट दिखेगा और उसके बाद अगर जैसे ही प्रॉफिट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा तो बहुत से लोग जो है अपने पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है बहुत ज्यादा गैप डाउन होने के बाद। तो इसलिए इस चीज का आपको मंडे के सेशन में जरूर ध्यान रखना है। अब अगर इसके कंपैरिजन में हम लोग बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी आपको प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहां पे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी भी नो डाउट अपने ऑल टाइम हाई को जरूर क्रॉस किया, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, ओनली क्रॉस किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 41,000 इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी को काफी अच्छा रेसिस्टेंस मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी नॉन स्टॉप रैली हुआ है 32,500 के लेवल से आपको, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे भी हम लोगों को 8,000-9,000 पॉइंट का जो है रैली देखने को मिला है, तो एक यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो वीकली बेसिस पे अभी भी जो है यहाँ पे ये स्विंग लो आपको इंटैक्ट है, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे एक काफी अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, जो कि आपको जुलाई मंथ से ही इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बैंक निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा था। कंटिन्यूअसली अगर देखेंगे तो इसी के सपोर्ट से, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही बैंक निफ्टी यहां पे आपको मंथ ऑफ जुलाई से यहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। कंटिन्यूअसली आपको इसी लेवल से ट्रेड कर रहा था, एक बार के लिए इस लेवल के नीचे जरूर जाने का कोशिश किया, बट आपको बहुत ही शार्पली बाउंस बैक किया। और उसके बाद अगर देखेंगे डेली चार्ट में जरूर बैंक निफ्टी में भी एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है और उसका नेकलाइन भी ब्रेक हो चुका है। तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में भी बियरिश रिवर्सल का साइन हम लोगों को दिख चुका है। बैंक निफ्टी में भी अगर बात करेंगे ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा, सपोज अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन अगेन मंडे को होता है तो ये 39,000 के लेवल को हिट करेगा, जहां से कि हम लोगों को एक बार के लिए बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 41,000 से कंटिन्यूसली आपको बैंक निफ्टी इनफैक्ट जो है यहां पे 41,600-700 से ही कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे एक रिलीफ रैली देखने को नहीं मिला है। तो 2,000-3,000 पॉइंट के बाद जो है एक रिलीफ रैली हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में गैप डाउन होता है। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं होता है और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा रिकवरी होता है और उसके बाद अगर निगेटिव साइन दिखता है तो वापस से जो है हम लोगों को यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मार्केट बियरिश जरूर है, लेकिन मार्केट अभी क्रैश नहीं होने वाला है, मार्केट में रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।